अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी भुने हुए गोश्त की रेसिपी कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए मैं 1 किलो यहाँ पे बड़ा गोश्त यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 11 से 12 हरी मिर्च, ग्रीन चिलीज, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, फुल टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून इसमें सॉल्ट, नमक, फुल टी स्पून इसमें टर्मरिक पाउडर, फुल टेबल स्पून इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर रही हूँ और तकरीबन आधा किलो प्याज। प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया है, इसके अंदर अब मैं प्याज ऐड कर दूंगी, हरी मिर्च, टमाटर, ऑल स्पाइसेस, और इसमें 1 मग पानी यूज कर रही हूँ। अब मैं इसका ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी। जब ये इसमें बॉयल होना शुरू हो जाएगा फिर मैं इसका कुकर लगा दूंगी प्रेशर। 5 मिनट के बाद ये पकना शुरू हो गया है, अब मैं इसका प्रेशर लगा दूंगी। तेज़ आंच पे मैं इसका प्रेशर लगा के रख दूंगी, प्रॉपर टाइम मैं आपको बाद में बता दूंगी इसका। दस मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगाया था, इसकी मैंने सीटी उतार दी थी। पूरे 10 मिनट का मैंने इसे प्रेशर लगाया था, इसमें अभी थोड़ा पानी है, मैं इसे अच्छे से भून लूँगी हाई फ्लेम पे, और फिर जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल के भून लूँगी। 10 मिनट का मैंने ढक्कन लगा के इसे रख दिया था, ये देखें इसका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी। दो बड़े चम्मच इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें 4 रेड चिलीज भी यूज़ करूँगी मैं, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। मैंने इसे अच्छे से कुकिंग ऑयल डाल के भून लिया है। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी, 1/2 टीस्पून, और सूखी मेथी, इससे खुशबू और जायका अच्छा हो जाता है। और 5 मिनट के लिए इसे मैं लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी। 5 मिनट के बाद मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और सालन बनके तैयार है। भुने हुए गोश्त की रेसिपी बनके तैयार है। इसे गार्निश करने के लिए इसमें मैंने बारीक कुटा हुआ हरा धनिया डाला है। आप इसे ट्राई करें, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।